हूँ, रिकॉर्ड बुक पे रख लूँ। अच्छा, तो देखें आज का जो हमारा लेक्चर है वो फंक्शन पे आप लोगों को पता है जैसे, और उस फंक्शन में हम इनवर्स फंक्शन हम पढ़ेंगे और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 9.3 जो है वो पूरा इनवर्स फंक्शन पे है, एंड 9.4 जो है वो मॉड्यूलस फंक्शन पे है, मतलब मॉड ऑफ फंक्शन पे होता है। ये कोई चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है इफ़ यू आर गॉन थ्रू 9.1 एंड 2। ठीक, तो ये चीज़ें बस थोड़ा बहुत कंसेप्चुअली आप लोगों को देखना पड़ेगा, बट कोई डिफिकल्टी इनमें नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखें फर्स्ट, ये इफ का फंक्शन है। फर्स्ट सपोज इफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, ये जी ऑफ एक्स का फंक्शन है। ये ऐसे उन्होंने कह दिया है कि भाई ये जो चीज़ें क्या क्या हैं, वन वन फंक्शन है, ठीक है। बट ये कह रहा है वन वन फंक्शन जो होता है, मैं जैसे ये बता दूं आप लोगों को कि हर एक इनपुट की एक अपनी आउटपुट हो, उनको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। मतलब हर एक डोमेन की एक अपनी रेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन इफ ये है, और ये इसको कह रहा है, ठीक है, ये इसी की बात कर रहा है। एलिमेंट वाई ऑफ वाई इज इमेज ऑफ ओनली वन एलिमेंट एक्स ऑफ एक्स, एंड सो द फंक्शन इफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, ठीक है। एंड देन दूसरे में देखें आप लोग, दूसरे में क्या कह रहा है कि टू में क्या कह रहा है, 12 ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ टू एलिमेंट्स एंड 2 एंड 3 ऑफ एक्स इफ इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि ये 12 है ना, ये दो जनों की इमेज है, ये वन वन एंड ऑन टू हो सकता है, मगर ये वन वन फंक्शन नहीं हो सकता। वन वन की मीनिंग ही खुद दे रहा है, वन वन मतलब एक डोमेन की एक इमेज हो, ठीक है, उसको हम वन वन कहते हैं। एक डोमेन की एक इमेज हो या एक इमेज की एक डोमेन हो, ये भी हम कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। और बस आगे चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, बिकॉज दीज आर कंसेप्ट ऑल अबाउट एमसीक्यू, सो ये देखते हैं। अच्छा, इनवर्स फंक्शन की बात है तो हमेशा ये होता है, फर्स्ट सपोज देखें यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की तरफ लूँ, फर्स्ट सपोज कोई आपके पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे फर्स्ट सपोज कि 2x² + जो भी है, 2x ये फंक्शन है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ये फंक्शन गिवन है। अगर आप एफ ऑफ वन पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ वन पुट कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा, ये जो रिजल्ट है, ठीक है, आउटपुट रेंज, ये रिजल्ट 2 आएगा। अब एफ ऑफ इनवर्स अगर हम पुट करते हैं ना, तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। फॉर सपोज अगर मैं 2 पुट करता हूँ, एफ ऑफ 2 पुट करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं इसी का इनवर्स फाइंड करता हूँ, ये इनवर्स को हम ऐसे शो करते हैं, अगर मैं इसी का इनवर्स फाइंड करता हूँ, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब जो जो पहले हम सिर्फ फंक्शन में जो पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है इनवर्स में। और फॉर सपोज देखें यहाँ पे जो फंक्शन है मेरा, जो पुट कर रहे हैं हम, इनपुट है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पे जो आउटपुट है 3 पुट करने पे, इनपुट 3 है और आउटपुट 7 आया, तो यहाँ पे इनपुट 7 हो गया है, और यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे यो जो यहाँ पे इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 3 हो गया है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये आपस में क्या होते हैं, रिवर्स्ड होते हैं। फर्स्ट सपोज के देखें यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल आप लोग को समझ आ गया, आई थिंक ये क्लियर ज्यादा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आगे एग्जाम्पल में आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ तक तो ये समझ आ चुके हैं ना ये वाले, इनवर्स में ये चीज होती है जो यस सर। यहाँ पे चीज है, ठीक। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखें थोड़ा बहुत। देखें इफ इफ इज अ वन वन फंक्शन, इफ इज अ, इफ क्या है, यहाँ पे फंक्शन की बात है, ये जो इफ है ना, ये इसको हम कह रहे हैं फंक्शन है, इफ इफ इज वन वन फंक्शन, अगर वो वन वन फंक्शन है, इफ इज एन इनवर्स फंक्शन, इफ ये इनवर्स है, ठीक है, ओके। बी इज इमेज ऑफ ए अंडर इफ ऑफ ए इज अ इमेज ऑफ बी, ठीक है। अगर कोई इफ फंक्शन है, इफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और उसकी इमेज बी है, ठीक है, अंडर इमेज ऑफ ए, अंडर ए मतलब ए जो है इनपुट है और उसकी जो इमेज बन रही है वो बी बन रही है, जब हम इनवर्स करेंगे ना, इनवर्स में उल्टा हो जाता है। इनवर्स में क्या हो जाता है, बी हमारी एक इनपुट हो जाती है और इमेज क्या बन जाता है, हमारा ए बन जाता है, ठीक। ये ऊपर मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया है, जैसे यहाँ पे भी देखें इन्होंने ग्राफ में समझाया हुआ है, एफ ऑफ ए जो है ना, एफ ऑफ एक्स जो है, यहाँ ए से जा रहा है बी तक, जब इनवर्स करते हैं ना, इनवर्स में क्या मतलब, इनवर्स का मतलब है रिवर्स जाना,
रिवर्स जाना, मतलब जैसे ये ए से बी तक जा रहा है तो ये जब इनवर्स कर रहे हैं तो बी से लौट रहा है ए तक, मतलब ये रिवर्स चला आ रहा है, ए से ए मतलब ए में जा रहा है। तो बी को हम इनपुट बना देते हैं इनवर्स में और ए को जो हम क्या बना देते हैं आउटपुट बना देते हैं। तो ये तरीका जस्ट इनका है, देखते हैं एग्जाम्पल करते हैं आप लोगों को अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, एक फंक्शन दिया है यहाँ पे, इन्होंने रिक्वायर दी कि एक्स डज नॉट इक्वल टू टू, क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, पहले लेक्चर में मैंने समझाया था। बट फाइंड क्या रहा है, चलो ये फंक्शन हो गया, अब फाइंड कह रहा है, फाइंड क्या करना है, एक तो एफ ऑफ फाइव फाइंड करना है, दूसरा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ टू फाइंड करना है। एफ ऑफ फाइव तो आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा इस पे डिटेल में जाने की क्योंकि ये चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। जस्ट आप इस फंक्शन में फाइव पुट करें, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, तो ये क्या रिजल्ट बनेगा, वन होल टू अपॉन थ्री या फाइव अपॉन थ्री आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, मगर बात है इनवर्स की, जो कोई मेन टॉपिक हमारा है इस इनवर्स पे। अब इस फंक्शन का इनवर्स आप लोग कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखें, लेट ए इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ टू, यहाँ पे देखें वो सपोज कर रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे सपोजिशन चल रही है, सपोजिशन का मतलब ये है, देखें विच यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ टू, ठीक, और एफ ऑफ ए जो है वो टू के बराबर है, एफ ऑफ ए क्या है वो टू के बराबर है, ठीक है। अब a अपॉन a माइनस टू इज इक्वल टू टू के दिया उन्होंने, और जो a है वो मतलब जस्ट a की उन्होंने वैल्यू निकाली है, भाई ये a का वैल्यू क्या निकली है हमारे पास, जब टू हम पुट कर रहे हैं तो हमारा f ऑफ इनवर्स जो है वो फोर निकला है, मगर बात ये है कि इन्होंने a रखा है हमारे कॉन्सेप्ट में आ ही नहीं रहा है, और मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने ज्यादातर आप लोगों ने समझा नहीं होगा, नहीं समझा ना आप लोगों ने ये इतना, अगर किसी के फंक्शन नहीं क्लियर है तो उन्होंने इतना नहीं समझा होगा, ये मुझे भी कंफर्म है। बट इस एग्जांपल को अगर हम देखते हैं ना, बी को जैसे इन्होंने समझाया हुआ है तो कंफर्म समझ नहीं आना, अब देखें कैसे समझ आता है आप लोगों को। देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, ये चीज है ना, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को आप लोग वाई ले लेते हैं, ठीक है भाई मैं y ले लेता हूं, f of x को आप y ले लेते हैं, ये चलो y हो गया, अब y हमने ले लिया और ये x अपॉन x माइनस टू हो गया, ठीक है ओके। अब यहां पे इन्होंने भी यही बात कर रहे हैं, ये बस मतलब कुछ और कुछ भी नहीं कर रहे, देखें ये चीज वही चल रही है जो इन्होंने करी है। अब क्या करते हैं आप इसी चीज को आप y में एक्सपेक्ट करते हैं और y में वही टू पुट करें, आप यहां पर देखें अब हम यहाँ पे टू पोट कर देते हैं वाई, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ इनवर्स जो है वो टू है, ठीक है, एफ ऑफ इनवर्स जो है वो टू है। फॉर सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि वही चीज अगर मैं एफ ऑफ एक्स में कोई वैल्यू पुट करता हूँ उसी अगर मैं इनवर्स करता हूँ, फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स की मैं वैल्यू दे देता हूँ, जो इनकी मैं डोमेन जो है वो मैं दे देता हूँ कि वन टू थ्री फोर है, वन मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास मतलब कि नेगेटिव में कुछ ना कुछ आ जाएगा, मतलब माइनस वन ही आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं वन पुट करता हूँ, टू पुट करता हूँ तो जीरो आ रहा है तो टू मैं पुट नहीं करूंगा, थ्री पुट करता हूँ तो मेरे पास मतलब थ्री रिजल्ट आ रहा है, और आगे अगर मैं पुट करता जाता हूँ मेरे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है, उसका इनवर्स में अगर पुट करता हूँ तो वहां पे कुछ ना कुछ मिलेगा। मगर यहाँ पे उन्होंने ए दिया हुआ है, ये देखिए ए दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, जस्ट एफ ऑफ एक्स को उन्होंने ए में चेंज किया, जो एक्स एक्स की वैल्यू है ना उन्होंने एक्स को बना दिया ए, ठीक है, x को एक्सचेंज किया a, यहाँ पे देखें लेट मी टेल यू, देखें ये है ना, अगर मैं इसको क्या दूं x अपॉन x माइनस टू, ये देखें ये चीज x अपॉन x माइनस टू इज इक्वल टू एफ ऑफ a दे दिया है, ये देखें f ऑफ x की जगह पे f ऑफ a दे दिया है, और f ऑफ a इसको अगर मैं रखूं, f ऑफ a अगर मैं इसको रख देता हूँ और इज इक्वल टू मैं क्या रख देता हूँ a अपॉन a माइनस टू, ए अपॉन ए माइनस टू कर देता हूँ, और मेरे पास जो f ऑफ a है, ये इनवर्स फाइंड करने का मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ये f ऑफ a है वो कितना है
टू है। अब एफ ऑफ इनवर्स का मतलब ये है कि मेरे पास एफ ऑफ ए टू है, ठीक है। एफ ऑफ ए क्या है, टू है ना, क्योंकि एफ ऑफ इनवर्स जो मैं आप लोगों को, फर्स्ट सपोज मैं ये पूछूं, ऊपर हम ये बयान करके आए हैं, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स फोर है, फर्स्ट सपोज एफ ऑफ एक्स अगर मेरे पास फोर है, तो एफ ऑफ इनवर्स क्या बनेगा मेरा, कोई बता सकता है मुझे? एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एफ ऑफ फोर इक्वल टू, वो तो उन्होंने वहां पे लिया है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा फोर है, अब एफ ऑफ इनवर्स क्या बनेगा, मैं जस्ट ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए ऊपर मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई है, यहाँ पे अगर आप लोग समझने की कोशिश करें, देखें मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, देखें मैं अगर मार्कर यूज करूँ थोड़ा टाइम लगे यहाँ पे, देखें मैं कह रहा हूँ जो डोमेन है मेरी रेंज, जो जो डोमेन है वो टू है, टू है सॉरी, रेंज मेरे पास है सिक्स। अगर मैं कह रहा हूँ जो एफ ऑफ एक्स है, ये क्योंकि टू जो है ना वो मेरा एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट है, सॉरी टू जो है वो मेरा एफ ऑफ एक्स है, मतलब जो एक्स मैं पुट कर रहा हूँ वो मेरा टू है, और जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है ना वो ये चीज है, ठीक है, वो जो ये चीज है रिजल्ट मेरी। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स ऐसे सिंपल पुट कर रहा हूँ तो वो ऐसे जा रहा है, जब मैं इनवर्स पुट कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, ये चीज आ रही है। इसका ऑब्वियसली बात यह है, जो मुझे एफ ऑफ एक्स गिवन है, मतलब फॉर सपोज एफ ऑफ एक्स अगर मुझे डोमेन जो गिवेन है उस डोमेन को मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे रख दूं, तो इजी बात है ना, देखें यहां से ऐसे जा रहा है, अब सिक्स से लेकर जब मैं टू की तरफ जाऊंगा तो ये मेरा इनवर्स कहलाएगा ना, जो टू है वो इनवर्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का, ये इनवर्स जाएगा ना, टू इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब देखें एक मिनट एक मिनट, फिर भी यहाँ पे इस पे जो है ना बेसिक वालों को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक मिनट। अच्छा देखें जब मैं टू इनपुट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, ये मेरा सिंपल जो कि इनवर्स फंक्शन नहीं है, ठीक है। जब मैं इनवर्स में जाऊंगा तो ये जो आउटपुट है ना इसको मैं इनपुट बना दूंगा, जब इसको मैं इनपुट इनवर्स में बनाऊंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा टू, ठीक टू रिजल्ट आ जाएगा। अब वहां पे मेरा ऑलरेडी ऐसा समझें कि ये रिजल्ट मेरा टू मिला हुआ है, ठीक है, रिजल्ट मेरा टू मिला हुआ है, जो एफ ऑफ इनवर्स का रिजल्ट है वो टू मुझे मिला हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मतलब कि सॉरी बुक वालों ने क्या करा है, बुक वालों ने इनको ए में चेंज कर दिया और एफ ऑफ ए को टू रख दिया ऑलरेडी, यहाँ पे क्या करा है टू ऑलरेडी रख दिया है। तो यहाँ पे जैसे टू रखा है तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, फोर आई है, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ टू जो है वो फोर है। अब फोर कौन सा है पता है आप लोगों को, फोर यहाँ पे है और टू यहाँ पे है, तो जैसे ये इनपुट रखेंगे आपको टू आएगा, और ये जैसे इनवर्स फाइंड करेंगे और टू जब पुट करेंगे इनपुट एज इनपुट होगा तो ये आपका रिजल्ट क्या आएगा, फोर आएगा। समझ आ गई? आर यू गाइज लिस्निंग मी? सर इस जी फंक्शन में, जी 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 नफीसा, सर फंक्शन में ये ए क्यों रखी हुई है, ये समझ में नहीं आ रहा चलो चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप इसको ए ना रखें सर, आप ये इस, ऊपर फंक्शन सर में एफ ऑफ ठीक है। एक्स ए फिर एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अच्छा ए का तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि ए क्यों रखा है इन्होंने, या ये सपोजिशन के लिए इन्होंने रखा होगा कि भाई आप लोगों ने इसी को जब इनवर्स फाइंड करना है तो आप लोगों ने ए सपोज कर लेना है, मगर आप लोग यहाँ पे अगर ए सपोज ना भी करें ना, कोई और चीज़ भी लेते हैं तो डजंट मैटर, आप लोग कोई और चीज़ भी ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं आप लोग, एक्स ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों से एक चीज़ करूँ, अगर देखें ये क्या है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, सिंपली ये देखते हैं हम, एक्स अपॉन एक्स माइनस टू है ये, है ना, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं एफ ऑफ एक्स यस को, सर, एफ ऑफ एक्स को हम करते हैं वाई सपोज, ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स को हम करते हैं सपोजिशन लेते हैं वाई की। अब हम यहां से वाई की अगर वैल्यू निकालते हैं, ओ सॉरी एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे वैल्यू एक्स की तो क्या बन जाता है, ये अगर ऊपर जाए यहाँ पे वाई की तरफ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2y हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2y हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा x, ठीक। तो ये अगर इधर आ जाता है, चलो ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए समाव प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, इसको छोड़ें। अच्छा
हम आगे चलते हैं, आपको समझ आ जाएगा, बस इस एग्जांपल को अगर छोड़े आगे एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को आराम और क्लियर से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल करेंगे तो आ जाएगा समझ, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड, एफ ऑफ एक्स जो है वो 3x+1 है, ठीक है, 3x+1 है फॉर, उन्होंने ये डोमेन दी हुई है फॉर 0 <= x, x < 2, मतलब 0 से लेकर 2 तक उन्होंने एक डोमेन दी हुई है। वो कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ इफ, सॉरी, वो कह रहे हैं स्केच द ग्राफ ऑफ इफ एंड स्टेट द रेंज ऑफ इफ, ठीक है, ग्राफ फाइंड करनी और रेंज फाइंड करनी। ग्राफ फाइंड आप लोग आराम से कर सकते हैं, ये डोमेन पुट करें, मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करें, देखें वाई क्या आ रहा है आप लोगों के पास, 1 आएगा, तो 0,1 पे क्या चीज आएगी, फिर 1 पुट करें, देखें वाई क्या आ रहा है, 1 तो एक्स बनेगा डोमेन, तो रेंज क्या आ रही है, तो ग्राफ आप लोग आराम से पुट कर मतलब बना सकते हैं, बना सकते हैं ना आप लोग। बी देखते हैं, शो दैट इफ, क्योंकि ग्राफ पे हमने काम किया था, शो दैट इफ इज एन 1-1 फंक्शन, ये भी शो करेंगे इफ जो है वो 1-1 फंक्शन है। 1-1 फंक्शन का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि देखें यहाँ पे डोमेन आपकी क्या क्या मिली हुई है, 0 से लेकर 2 तक, ये देखें 0, 1 और हमारे पास क्या है 2, ठीक है। तो देखें अब इसका मतलब ये है, सॉरी, अब इसका मतलब ये है कि 1-1 फंक्शन है नहीं है, ये कह रहा है कि शो करें, ठीक। अब देखिए जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट मिल रहा है वो कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, 0 जब मैं पुट कर रहा हूँ तो 1 मिल रहा है, चलो भाई मैं 1 दे देता हूँ, ये 0 पे मेरा 1 आ गया। चलो अब मैं फर्स्ट सपोज 1 पुट कर रहा हूँ इसी में, तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब 1 पुट करने में मेरा रिजल्ट 4 आ रहा है, और अगर मैं 2 पुट कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जब मैं 7 आ रहा है तो ये क्या 1-1 होगा, नहीं होगा गाइज, तो इट इज प्रूव्ड के इट इज दिस फंक्शन इज 1-1 फंक्शन, ठीक। अच्छा नंबर सी देखते हैं, वो कह रहा फाइंड इफ इनवर्स इन सिमिलर फॉर्म, माउस का चक्कर है, इफ फाइंड इफ इनवर्स इन सिमिलर फॉर्म एंड स्केच द ग्राफ ऑफ इफ इनवर्स। अब यहाँ पे ध्यान कर देखने और मतलब लगानी है आप लोगों ने, सी कह रहा है कि लेट बी लेट वाई बी द इमेज ऑफ एक्स अंडर इफ, अंडर एफ, देखें जो हमारे पास फंक्शन था 3x+1 था, 3x+1 था फंक्शन, हमारे पास क्या है वो ये चीज है एफ ऑफ एक्स है, मतलब जब एक्स हमारे पास है उसकी जो हमारे पास फंक्शन गिवन है दैट इज 3x+1, ठीक है, ये तो आउटपुट है ना, आपको आप लोगों को मैंने पहले चीख चीख के बताया था कि ये आउटपुट होता है, ये चीज हमारे पास इनपुट होती है जिसको हम ये कहते हैं, देखें ये चीज एक्स जो है वो इनपुट है, ये जो पूरा रिजल्ट होता है वो हमारा आउटपुट आता है, तो ये रिजल्ट है पूरा एक्स की हमारी इनपुट है। अब देखें वाई बी द इमेज ऑफ एक्स अंडर इफ, वाई को हम क्या कह रहे हैं, इमेज बना रहे हैं अंडर इफ फंक्शन, जो फंक्शन गिवन है, ठीक है, वो उसको हम वाई को एक इमेज बना रहे हैं, मतलब एक्स की जगह पे हम वाई पुट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स की जगह क्या कर रहे हैं, वाई पुट कर रहे हैं। बट एक्चुअली अगर देखा जाए उन्होंने ऐसा नहीं करा है, उन्होंने ऐसा नहीं करा है, उन्होंने ये चीज जो बनाई है ना वो ऐसे नहीं बनाई, कुछ प्रोसेस के हवाले से बनाई है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे बनाई है। देखें अगर यहां मैं इनको इरेज कर दूं, उन्होंने जस्ट ये किया है यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दी है, बाकी कुछ नहीं करा है। देखें ये 1 इधर जाएगा वाई की जगह पे तो माइनस हो जाएगा, मतलब वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 जो है यहां पे सिर्फ 3 बचेगा, जो ये 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो वाई माइनस 1/3 ये ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज ऐसी है, उन्होंने क्या करा है एक्स इज इक्वल टू जस्ट वाई माइनस 1/3 रख दिया है। अब उसके बाद उन्होंने कहा है कि बस अब जो है ना पुट कर दें वेयर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें क्या किया इन्होंने, देखें इनवर्स फंक्शन इज एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज एक्स, अब क्या बन गया है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज एक्स, अब ये एक्स बन चुका है, अब वेयर एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स ये बन चुका है, ठीक है, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई, अब देखें सॉरी यहां पे देखते हैं एक मिनट, देखें अब क्या है, वो कह रहे हैं यहां पे देखें जब ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन ये था, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा फंक्शन ये था,
अब इसके उलट जब हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? जब हम वाई में देख रहे हैं, जब हम जब मतलब कि ऐसे ये वाली कंडीशन जब आएगी, तो हमारे पास क्या होगा? क्योंकि हमने एक्स को वाई में चेंज किया और उसका रिजल्ट जब हम एक घुमा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? ये आ रहा है। तो एफ ऑफ एक्स सिंपल ये था, जब इनवर्स उसको कर रहे हैं तो हमारा एफ ऑफ इनवर्स ये बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक, ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे मिली थी हमें, x इज इक्वल टू, ठीक है, और वो या कह रहे हैं, या f ऑफ y इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं y माइनस वन है। अच्छा, ये कहते हैं दिस प्रोसेस इज शोन इन द डायग्राम रिप्लेसिंग y बाय x फॉर f इनवर्स वी हैव दिस वन, ये हमें मिल चुका है। ठीक है, ये हमारा इनवर्स मिला है, ये याद रख लें, उस चीज का इनवर्स मिला। आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। बट सिर्फ अगर इस ग्राफ को भी आप लोग ना देखें, चलो इसको ना देखें, यहां से हमने कैसे फाइंड किया, एक्स को जस्ट हमने वाई में रिप्लेस कर दिया है, या हम अगर सिंपल इनवर्स मिला हो उसको हम अगर सिंपली ऐसे फंक्शन में चेंज करें, तो हम उसको क्या करते हैं, वाई को एक्स में रिप्लेस करते हैं। तो फंक्शन के लिए क्या करा हमने, इस एक्स को वाई में रिप्लेस करा, या एक्स की सिंपल हम कहें कि इक्वेशन में से, अगर इसको मैं सर इक्वेशन कहूँ थोड़ी देर के लिए, फंक्शन ना कहूँ, तो इस इक्वेशन से मैंने जस्ट एक्स की वैल्यू निकाली है जो कि मेरी ये बनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन कहते हैं। जो ये मतलब मुझे मिला है ना, इसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये देखें ये चीज, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जो एक्स है, वो मुझे जो मिला है ना, वो मुझे ये मिला है। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो मुझे ये मिलेगा। मतलब देखें, आपके पास वाई मिला है ना, जैसे ये चीज आपके पास वाई मिले ना, तो एफ ऑफ इनवर्स आप एक्स रख दें और वाई की जगह पर जस्ट एक्स रख दें, बात खत्म। आप इनवर्स लगाने के लिए, जस्ट सपोजिशन के लिए, आप क्या करते हैं, उसी चीज को इस शेप में लाते हैं। जब आपके पास फाइनल ये पहुंच जाता है रिजल्ट, तो आप फिर से अपनी कंडीशन पे आ जाते हैं, जैसे कि आपने पहले कंडीशन से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस कंडीशन से यहाँ पे देखें, जस्ट उस वाई को आप एक्स में चेंज कर देते हैं, तो आपके पास इनवर्स सा ऐसी कोई शेप मिल जाती है। ठीक, अच्छा एक मिनट, मैं आगे आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा और टाइम भी आउट होने वाला है ना, तो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर ग्राफ एफ ऑफ इनवर्स इज सेगमेंट वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन फॉर रेंज, ये रेंज इन्होंने बता दिया है, रेंज क्या होगी क्या ना होगी वो रेंज ये बता दिया है। क्यों? क्योंकि ऊपर शायद डोमेन बताई हुई थी ना क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें ये डोमेन बताई हुई है उन्होंने, ये डोमेन बताई हुई है, तो वो कह रहा है कि उस डोमेन पे हमारी जो एफ ऑफ इनवर्स की रेंज होगी वो हमारे पास ये होगी। ठीक है, अच्छा इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको पता है कि जैसे फंक्शन ग्राफ, जी 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 सर, इसके ए पार्ट में ये इनइक्वालिटी कैसे इन लोगों ने बनाई है सर? आंसर तो 147 आ रहा है ना, तो 1 लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन आर इक्वल टू कहां पे 7, ये कैसे बनी है सर? ये ए पार्ट इसी का 13 एग्जांपल। अच्छा ये देखे ना, मैंने आप लोगों को आई थिंक पहले लेक्चर में मैंने 2-3 तरीके बताए थे, सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका एक बताया था, और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी रोस्टर फॉर्म बताई थी। ठीक है, ये अगर याद हो आप लोगों तो, एक चीज मैंने आप लोगों को ये ग्राफ, ये डायग्राम, आप लोग वेन डायग्राम का जो है ना मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, ये चीजें आप लोगों को मैंने आई थिंक पहले ही क्लियर कर दी थी, ये तरीका आप लोगों को आना चाहिए। अब ये तरीका हम अगर स्टार्ट करते तो बहुत बेसिक में चले जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कह देता हूँ, जी जी मैं आपको कह रहा हूँ, एक मिनट समझा रहा हूँ। अच्छा देखें, जब मैं फर्स्ट सपोज मैं जब जीरो पुट कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 1। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है आंसर 2। फर्स्ट सपोज 2 पुट कर रहा हूँ मुझे आंसर मिल रहा है 4, मिसाल के तौर पे। तो जो मेरे पास रेंज बनेगी, एक यहाँ पे 1 मिल रहा है मिसाल के, तो रेंज बनेगी, तो मैं क्या कहूंगा, 1 जो है वो लेस है या इक्वल है एक्स के, और x जो है वो लेस है या इक्वल है 4 के, मिसाल के तौर पे। एक और या भी 3 भी बीच में है मिसाल, ठीक है ना। अब क्या होगा, मेरे पास रेंज 1 2 3 4 मिली है,
तो मैं उनको कह रहा हूँ कि वन जो लेस देन इक्वल टू एक्स है या एक्स जो लेस देन और इक्वल टू फोर है। अब ये चीज भी लिख सकता हूँ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि वन जो है ना वो जो एक्स है वो इक्वल टू फोर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इक्वल टू फोर भी लिख सकता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इक्वल टू, मैं एंड लिख सकता हूँ, एंड एक्स इक्वल टू फोर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मगर ये जो बेस्ट वे है ना वो लिखने का ये है जिसपे ज्यादा खशड़ नहीं होता। जी सर 147 इसकी कैसे बनाएंगे इनइक्वालिटी? सर इसमें 147 आ रहा है ना? 147 आ रहा है, देखे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने वन जब जीरो पुट करा है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, ये इन्होंने बना दिया, खुद बना दिया उन्होंने ना। देखें जीरो कमा वन है, जीरो पुट किया तो वन आ गया है, जब उन्होंने टू लास्ट में पुट, टू लास्ट वाला पुट किया तो उन्होंने जो रिजल्ट आ रहा है वो सेवन आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप पुट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो देखें लास्ट जब फर्स्ट वाला हम पुट कर रहे हैं तो मेरे पास रिजल्ट वन आ रहा है, जब लास्ट वाला पुट कर रहा है मेरे पास रिजल्ट सेवन आ रहा है। इसका मतलब ये है जो बीच वाले रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास रिजल्ट्स आ सकते हैं, मतलब सेवन से ज्यादा नहीं आएगा, एक तो मेरे पास वन से कम नहीं आएगा। जब वन से कम नहीं आएगा, सेवन से ज्यादा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो मैंने जब रखा है ना तो मेरे पास हाईएस्ट नंबर सेवन मिला है, ठीक है, आउटपुट। तो मुझे ये पता चल गया कि वन से लेकर सेवन तक है, तो जो वाई है वो वन से लेकर, या वन से तो या तो वन से बड़ा है या वन है, ठीक है, वाई, या वो वाई सेवन है या वाई सेवन से कम है। तो उन्होंने ये चीज रखी है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर रख के देखा है, दूसरा लार्जेस्ट नंबर रख के देखा है, वो उनके नंबर देखे हैं। जी नफीदा सर इन लोगों ने वन नहीं पुट किया, 0, 1, 2, 1 नहीं रखा इन लोगों ने। अच्छा वो नहीं रखा, इसलिए नहीं रखा क्योंकि रेशनल नंबर होते हैं ना, सॉरी रियल नंबर्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए एक चीज हमें, जब बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट और मिनी मतलब लोएस्ट वैल्यू पुट करने के लिए, मैं आपको कहूँ कि वन से लेकर थ्री तक है, मुझे रियल नंबर्स फाइंड करके दें, तो आप मुझे सारे नंबर्स फाइंड करके देखे दिखा देंगी, मुझे वन और टू के बीच में भी रियल नंबर फाइंड कर सकती हैं आप सारे? नो सर बहुत सारे नहीं कर सकती, वही चीज है ना। तो इन्होंने वही बात कही है कि एक उन्होंने मिनिमम से मिनिमम वैल्यू रखा है जो कि हमारे पास वन आया है, और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू रख दिया है, तो उन्होंने बस ये बता दिया कि वन और सेवन के बीच में या वन तो सेवन तक एक रेंज है जो कि आ रही है, ठीक है। यस सर मींस कर सकते हैं हम मिनिमम और जस्ट मैक्सिमम रख सकते हैं ना? जी अगर रियल की बात हो, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी रियल या किसी और नंबर की, तो हमने अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड बात है कि ये रियल नंबर्स की बात कर रहा है, जो हमारे पास नंबर्स आएंगे आउटपुट आएगी वो रियल नंबर्स की होगी, ठीक है। जी सर थैंक यू। ओके ओके मोस्ट वेलकम। अच्छा आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखें, अच्छा ग्राफ का भी आई थिंक देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो इनवर्स का जो है वो एक्स आएगा, क्योंकि जैसे फंक्शन ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है, अगर एफ ऑफ एक्स है सिंपल, जब अगर फंक्शन है तो वाई है उसकी आउटपुट, तो जब इनवर्स करेंगे तो उसकी आउटपुट एक्स हो जाएगी, ठीक। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इनवर्स में जो जब करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक्स आएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा इसको हम छोड़ें, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 14 देखें, 14 क्या कह रहा है कि वो फंक्शन एक ये गिवन है और कंडीशन की दी गई है कि टू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ये पता है आप लोगों को, फाइंड एंड सिमिलर फॉर्म इफ ऑफ इनवर्स एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इफ ऑफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। बस सेम क्या करना है यार, सेम ही बात है ना। उन्होंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को सपोज किया वाई के, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली है, जब एक्स की वैल्यू निकाली है जैसे अभी हमने करा है, ये एक्स माइनस टू जो है वो इधर लेके गए हैं जिसका रिजल्ट हमारे पास ये आया है, और एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जब उन्होंने ये सारा प्रोसेस किया है तो उनको एक्स ये मिला है, मिला है ना, ठीक है, एक्स ये मिला है। अब हम कह सकते हैं देखें, जब एक्स उनको मिला है और ये वाई की फॉर्म में आ गया, ये वाई की फॉर्म में आ गया, बस इनवर्स फाइंड करने के लिए एफ ऑफ एक्स इनवर्स, क्योंकि वो एक्स की शेप में था, तो एक्स की शेप में क्या करेंगे आप, वाई की जगह पे जस्ट एक्स रख देंगे, सिंपल एक्स रख देंगे, तो आपका ये फॉर्म आ जाएगा। तो एफ ऑफ इनवर्स जो आपको मिला है ना वो ये चीज मिली है, और आपको पता है कि जो उन्होंने बात किया ना, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स विच एफ ऑफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे एफ ऑफ इनवर्स कब डिफाइंड नहीं होगा,
जब x इज इक्वल टू वन होगा। तो इसका मतलब है x, ये चीज जो ऊपर वाली कही ना, सिर्फ इसके लिए कही उन्होंने कि डिफाइन तब नहीं होगा जब वो वन के बराबर हो, ठीक है। तो वन हम क्या करेंगे, x does not equal to one, तो हमने बता दिया कि अगर ये वन के बराबर आया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। तो ये जहां पे चीज आ गई, सिंपल सी बात है। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या इनवर्स नहीं निकाल सकते अब आप, कोई भी क्वेश्चन आ जाए? जी निकाल सकते हैं ना आप लोग इनवर्स? यस सर। ओके थैंक यू सो मच। अब देखें यहाँ पे देखते हैं कि देखिए फंक्शन f इज डिफाइंड f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर माइनस 2 है फॉर डोमेन, डोमेन दी हुई है भाई, डोमेन दी है तो रेंज फाइंड कर सकते हैं, तो उसका हम ग्राफ भी फाइंड कर सकते हैं आराम से, जो कि उन्होंने कहा हुआ है इसके द ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स। पहले क्या करेंगे, रेंज सॉरी डोमेन जो है वो पुट करते जाएं, आप लोगों को रेंज मिलती जाएगी। देखिए डोमेन कौन सी है, 0 से लेकर 3 तक डोमेन है। देखिए ये मैंने सर ये मैंने डोमेन रख दी, यहाँ पे मैंने रेंज रख दिया, ठीक है। जब मैं डोमेन में 0 पुट करूँ, क्योंकि डोमेन 0 है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, जब मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, -2 है ना। जब मैं 1 पुट करूंगा इसमें तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, जब मैं 1 पुट कर रहा हूँ रिजल्ट क्या मिल रहा है मुझे, -1, ठीक है। जब मैं 2 पुट कर रहा हूँ रिजल्ट तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ऐसे जब आप f of x में, क्योंकि ये f of x है, तो वो कह रहे हैं कि sketch the graph of f, क्योंकि ये इसको आप f भी कह सकते हैं, f मतलब इस फंक्शन का ग्राफ, जो कि ये सिंपली ऐसे आप लोग करके भी कर सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म में 0, -2, क्योंकि ये इसका ऐसे बनेगा, अगर 1 पुट कर रहे हैं तो 1, -1, ये आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, आप डोमेन पुट करते जाएं और देखते जाएं, ठीक। ये हो गया। अब इसी चीज का क्या करेंगे, एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करें। जब एफ ऑफ इनवर्स फाइंड करके ये पॉइंट जब आप रखेंगे यही डोमेन वाले, तो आप लोगों को वही चीज आप लोगों को मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो ये यहाँ पे ऐसा कोई मिल जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। आप क्या करेंगे, ये इस चीज को इक्वल रखिए इस चीज को, और इसी चीज का फंक्शन निकाल सॉरी एफ ऑफ इनवर्स निकाल के बराबर। ओके अब देखें ये चीज आपको मैंने समझा दी, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखें कि उन्होंने क्या कहा था बी में, एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तो आपने मतलब ग्राफ फाइंड करने के लिए एफ ऑफ इनवर्स फाइंड किया था ना, जब एफ ऑफ इनवर्स आपने फाइंड किया था ना, तो वो एफ ऑफ इनवर्स और एफ ऑफ एक्स कौन सा है, ये है। अब इस चीज को और जो इनवर्स आप लोगों ने फाइंड किया है ना, उस चीज को बराबर रख दें, मतलब इक्वल रख दें, और आप लोगों को वैल्यू जो है वो एक्स के मिल जाएंगे। कैसे, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखें यहां पे एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, जो जब हमने इनवर्स फाइंड किया ना वो हमारे पास एक्स है। जब उसको आप लोग क्या करें, देखें यहां पे लिखा भी हुआ है द ग्राफ ऑफ एफ एंड एफ ऑफ इनवर्स मीट एट 2.2, एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। Since A lies on the line y is equal to x and the curve y is equal to x square minus 2. देखें, जब हम inverse find कर रहे हैं तो हमारे पास x वो कह रहा है result आ रहा है। जब result ये आ रहा है और f of x जो है वो x square minus 2 है, जब उनको हम equal रख रहे हैं और उसके बाद जब हम values find करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास जो x मिल रहा है वो मिल रहा है x is equal to 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखें since 0 is less than or equal to x, x is less than or equal to 3. अब ये कहां से आ गया? जी कोई है मुझे बताया ये कहां से आ गया? जी कोई है इसके बारे में मुझे बताया ये कहां सर से? ये डोमेन है, डोमेन गिवन है जी, डोमेन गिवन है, ये डोमेन है, डोमेन जी 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 गुड। ये देखें ऊपर देखें उन्होंने क्या दिया हुआ है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो वो उन्होंने यही चीज लिखी है, ठीक है। ओके हम आगे बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी हमने इनवर्स ऑफ जस्ट सिंगल फंक्शन पढ़ा है, अभी तो गेम बाकी है कंपोजिट फंक्शन की, मगर घबराना नहीं है, ठीक है। टू फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड बाय, देखें
एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया है ये वाला जहां पे एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स दिया उन्होंने ये वाला टू एक्स। ठीक, देखें एफ ऑफ इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों को आराम से पता है भाई, कर सकते हैं आप। एफ ऑफ एक्स को आप क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को आप लोग वाई देते हैं, चलो ठीक है वाई लिख दिया मैंने इसको, और एफ ऑफ एक्स खुद क्या है मेरे पास, वन प्लस थ्री अपॉन एक्स है। जब वन प्लस थ्री अपॉन एक्स है तो आप जस्ट क्या करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करना करने की कोशिश करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी और रिजल्ट आएगा वाई की फॉर्म में। जब वाई की रिजल्ट फॉर्म में आ जाएगा ना, अब जस्ट वाई को रिप्लेस कर दें एक्स में, आप लोगों को एफ इनवर्स मिल जाएगा। इनवर्स फाइंड कर लेंगे आप लोग? जी सर। यस सर। ठीक है, अब जी एफ इनवर्स इसी चीज का आप लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। मतलब देखें जी एफ इनवर्स क्या आ सकता है, सिंपल सी बात है यार, ये जी एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, टू एक्स है। ठीक है, टू एक्स है। अब जी एफ एक्स को मैं ले लेता हूँ वाई, अब मुझे फाइंड क्या करना है, टू एक्स, ये एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, तो टू इधर जाएगा तो क्या कर जाएगा, ये वाई को डिवाइड करेगा, तो जब वाई को डिवाइड करेगा एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो y को जस्ट मैं क्या करूंगा x में रिप्लेस कर दूं, तो x अपॉन 2 क्या है, ये इनवर्स है, ये g ऑफ x का, ये g का इनवर्स हो जाएगा, g का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, बात ही खत्म। जस्ट ये मैंने जो वैल्यू निकाली और y को जस्ट मैंने फिर रिप्लेस कर दिया x में, x अपॉन 2 विल बी द इनवर्स ऑफ g ऑफ x। ठीक है, कोई यहां पे ऐसी झाड़ने वाली बात नहीं है, कंपोजिट फंक्शन हमने पहले पढ़ा होता है। देखें यहां पे जो d में गैर है, सी में देखते हैं जी एफ एफ। अब जी एफ एफ कर सकते हैं ना आप लोग, हमने क्या बताया था कंपोजिट फंक्शन में, कौन ये है यहाँ पे जो कि जी एफ एफ ना निकाल सके, कोई है यहाँ पे? जाएगा सर, हो जाएगा ना, क्योंकि ये मैंने हमने बहुत बहुत ज्यादा ये मतलब डीप में पढ़ा था जी एफ एफ कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा ये क्या कह रहे हैं, जी एफ एफ का इनवर्स निकालें। अब ये जो आपका जी एफ एफ का इनवर्स जब आप लोगों को निकल जाए, सॉरी जी एफ एफ की वैल्यू जो निकलेगी ना, जो तीसरा जाके हमारे पास फंक्शन बनेगा, अब उस फंक्शन की क्या करें आप, कह रहा है कि इनवर्स निकाल दें, बात खत्म भाई। अब उसकी सिर्फ आप लोगों ने इनवर्स निकालनी है, मतलब इसकी जो प्रोडक्ट निकलेगी हमारे पास, जो तीसरा फंक्शन निकलेगा, उस फंक्शन की इनवर्स निकालें, जो कि तरीका बस जो है इनवर्स का आप वो फाइंड करेंगे, हो जाएगा इनवर्स इसका। जी यस सर। सर ये जो जी ऑफ एफ का आंसर आएगा उसका इनवर्स निकालना है, उसी का इनवर्स निकालना। देखें फॉर सपोज मैं डी में जाता हूँ, सी में देखें हमारे पास जी एफ एफ क्या आया, सी सी देखें यहाँ पे पकड़े थोड़ा बहुत सी को, जी एफ एफ जो है वो क्या है हमारे पास, टू प्लस सिक्स अपन एक्स है ना। जी जी ठीक है, मैं आगे देता हूँ। अब ये कह रहा है कि जी एफ एफ ऑफ एक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, क्योंकि जी एफ एफ हमारे पास जो निकला था वो क्या है, ये चीज है जी एफ एफ की है, और इसी में से क्या करने, उन्होंने जी एफ एफ को पूरे को उन्होंने क्या किया है, y के सपोज लिया है, जो कि यहाँ पे y को सपोज है, सपोजिशन लिया है। अब x की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने की कोशिश की है, जो कि हमारे पास ये आया है, तो इसकी जो मतलब जो इनवर्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, y को जस्ट उन्होंने रिप्लेस करा है, क्या देखें x में रिप्लेस करा है, और ये हमारा इनवर्स निकल गया, बात ही खत्म। समझ आ चुकी? जी सर, थैंक यू। ओके वेलकम। तो आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं कि f ऑफ इनवर्स और g ऑफ इनवर्स ऑफ x, अब उन्होंने भाई यही करा, देखें f ऑफ इनवर्स निकाल के g ऑफ इनवर्स निकाल के अब उनको कंबाइन कर देना है। f ऑफ इनवर्स, अब ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास था, देखें f ऑफ इनवर्स है ना, g ऑफ इनवर्स है, ठीक है ये निकाला है। अब वो कह रहे हैं f ऑफ इनवर्स और g ऑफ इनवर्स को आपने कंपाउंड करना है, मतलब कंपोजिट फंक्शन, एज अ कंपोजिट फंक्शन उन्होंने उनको मिलाना है, जैसे g ऑफ f ऑफ x मिलाते हैं, f ऑफ g ऑफ x मिलाते हैं, तो उन्होंने यही बात करी है, सेम बात करी है। देखें एफ ऑफ इनवर्स जो हमें मिला है, एफ ऑफ इनवर्स हमें कौन सा मिला हुआ था, ऊपर जो हमने निकाला है वही चीज, और जो नीचे हमने जी एफ इनवर्स निकाला है वो चीज, उनको आपने जस्ट एफ ऑफ, जैसे हमने ये किया था ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे किया था ना, हम क्या करते थे, जो कि जी की वैल्यू थी वो हम क्या करते थे, एफ में पुट कर देते। तो इस हवाले से ऐसे ही जो जी ऑफ इनवर्स आपको मिला है ना, वो ही पुट कर दें आप एफ ऑफ इनवर्स में। समझ आ गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। अच्छा ये आप लोगों देखें प्रॉपर्टी एक होल्ड कर रही है वन पॉइंट फंक्शन पे,
जी ऑफ इफ जब कंपाउंड कंपोजिट आप चले जाते हैं, जी ऑफ इफ जब पुट करते हैं, इसका मतलब है इफ जो फंक्शन है वो जी में पुट करते हैं और उसी का इनवर्स निकालते हैं, वो बराबर होता है इफ ऑफ इनवर्स के और जी ऑफ इनवर्स के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब है कि इनके फंक्शन पे, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं, ये प्रॉपर्टी है। ओके अच्छा 17 नंबर क्या है? 17 नंबर आप लोगों को पता हो कि ये 9.4 पे जा रहा है। बुक पे आप नजर सानी करें, ये 9.4 अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 17 एग्जाम्पल 9.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो मॉड है ना, ये देखें, ये मॉड जो गिवन है, अब मॉड में जो भी नंबर आता है बाहर निकल के वो पॉजिटिव हो जाता है, बाहर निकल के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। फॉर सपोज मैं कहता हूँ माइनस टू है, तो ये बाहर इसकी वैल्यू क्या होगी, टू होगी। मैं कहता हूँ माइनस फाइव है, तो इसकी जो सॉरी ये मॉड है इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव फाइव होगी। तो मतलब बीच बीच में उसके अंदर में कुछ भी हो ना, वो बाहर आगे पॉजिटिव ही रहना है, वो बाहर आगे क्या रहना है, पॉजिटिव ही रहना है। अच्छा देखते हैं भाई पॉजिटिव कैसे रहना है। और ये भी बात रखें, जो मॉड्यूलस फंक्शन है ना, इसको हम मॉड फंक्शन भी कहते हैं, ये मॉड फंक्शन है। इसका जो ग्राफ बनेगा, दूसरे ग्राफ हमने कैसे बनाया, किसी का ऐसे जा रहा है, किसी का ऐसे जा रहा है, किसी का पता नहीं कैसे जा रहा है, मगर मॉड फंक्शन हमेशा ही ग्राफ बनाता है वी शेप का, या तो ऐसे बनेगा फॉर सपोज, ठीक है, या ये ऐसे भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसे तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी जब वैल्यू ही पॉजिटिव आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हमेशा उसका जो ग्राफ बनता है वो वी शेप का बनता है। समझ आ गई? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। देखें एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया है ये 3x-2, तो वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस टू फाइंड करें एंड एफ ऑफ टू फाइंड करें। अब मैं एफ ऑफ माइनस वन पुट करूंगा तो मेरा प्लस यहाँ पर रिजल्ट क्या माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री एंड माइनस टू कितना हो, माइनस फाइव होगा, और माइनस फाइव जो मॉड है वो क्या निकलेगा, पॉजिटिव फाइव। तो यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ माइनस वन जो है वो उसका जो आंसर आया वो क्या है, पॉजिटिव फाइव आया है। अब एफ ऑफ जब मैं टू पुट करूंगा, ये देखें एफ ऑफ टू पुट करूंगा यहाँ पे टू, तो टू इंटू थ्री कितना होता है, सिक्स होता है, सिक्स से माइनस फोर करूंगा मैं तो ये पॉजिटिव फोर हो जाता है, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे आंसर में, ये देखें, ठीक है, एफ ऑफ टू पुट करने पर मेरा पॉजिटिव फोर है। अंदर जो कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, मगर रिजल्ट आने के बाद जो हमारा फाइनलाइज होता है सारा रिजल्ट, तो उसके बाद हमारा वो पॉजिटिव ही आता है। समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब वो कह रहा है एक और चीज जो बी में है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज फाइंड कर रही है फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एट। जब एफ ऑफ एक्स एट है, इसका मतलब है ये पूरा और ये क्या है, एट है। तो देखें जब एफ ऑफ एक्स एट है तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह हमने एट रख दिया, ये हमारे पास फंक्शन पूरा है, तो फंक्शन ये पूरा है, फंक्शन जब ये हमारा पूरा है तो ये क्या आ जाएगा, 3x-2, बाहर आके ये पॉजिटिव है ना, बाहर आके क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है, तो इन्हें यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो 3x-2 = -8। इसको जब हम ऐसा ऐसा सॉल्व करते जाएंगे ना, ऐसा ऐसा प्रोसेस से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x = -6 और 3x = 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई सर? जी जी सर, 8 पॉजिटिव भी लिख रहे हैं, नेगेटिव भी लिख रहे हैं, ऐसे क्यों? अच्छा मैं बता, मार्ड मैं बता, अच्छा 8 पॉजिटिव कहाँ पे सर? ये अच्छा ये वाली बीच का है, ठीक है, ये मॉड को अलग करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। जी 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 यहाँ पे देखे ना, एक प्रॉपर्टीज होती है मॉड के अपने हवाले से, और जो के आप पढ़ेंगे, फॉर सपोज देखें मैंने यहाँ पे उन्होंने कहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखें, आप एट रखें। अब मिसाल के तौर पे मैं मॉड यहाँ पे दे रहा हूँ -6, क्योंकि एक तो -x होती है, दूसरा x होता है, यहाँ पे होगा हुआ आई थिंक, अगर बुक पे आप लोग चेक करें यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिव। हाँ यहाँ पे देखें, देखें ये मॉड ऑफ x है, जब आप x बाहर निकालते हैं ना, जब बाहर निकालते हैं वो ये x माइनस में जब आप रखते हैं तो वो x ग्रेटर देन जो जीरो होता है उसको हम माइनस रखते हैं, और जो आप जो लेस देन जीरो होता है उसको आप क्या रखते हैं, माइनस में रखते हैं, जो ग्रेटर देन जीरो होता है उसको आप पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर्टी उन्होंने दी हुई है,
तो ये इसी प्रॉपर्टी के तहत जो उन्होंने 8 की वैल्यू रखी है ना, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करते हैं जब रिजल्ट की, तो ये बात है रिजल्ट की, मॉड के बाद रिजल्ट की, यहाँ पे 8 है वो 8 ऐसा समझें कि ये रिजल्ट है किसका, इसका ऐसा समझें। तो हमारे पास इसलिए जो 8 निकल के आया है ना, वो एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो और में रखा है ये देखें, या तो वो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है। तो उस हवाले से उन्होंने ये एक तो -6 निकाल लिया है और एक की जो वैल्यू निकाली है 10/3 निकाल लिया। तो उस कंडीशन के मुताबिक नफीसा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, याद मुझे कराइएगा, इस मॉड पे, इस पे मैंने मेरी पूरी एक मतलब के 2-3 लेक्चर्स बने हुए हैं बहुत अच्छे कंसेप्चुअल के हिसाब से, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं इंशाल्लाह लिंक भेजूंगा आप लोगों के, ये जो चीजें हैं ना इसकी, वो आपको जो है कंसेप्चुअलाइज हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर, ठीक है, मुझे याद दिलाइएगा। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर हम मॉड से एक्स बाहर निकालते हैं, अगर उसकी वैल्यू लेस देन जीरो है तो वो -1 रखते हैं, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या रखते हैं, पॉजिटिव एक्स रखते हैं, ठीक है? ओके आगे हम बढ़ते हैं, स्केच वो क्या करें, स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। अब स्केच की बात आ गई है, एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन मॉड है, दूसरा है क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है जी ऑफ एक्स है एक्स -1 मॉड +2 है। +2 ये एडिशनल है, +2 आएगा ही आएगा, मगर ये जो है जो भी वैल्यूज की आएगी वो वही बनेगी, मगर वो करेंगे स्केच द ग्राफ, मगर उन्होंने हमें कोई डोमेन रेंज नहीं दिया है। इसका मतलब इनपुट इसका जो है जो डोमेन है वो हमने खुद ही बनानी है, अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे रियल नंबर्स आने हैं। अब आप लोग -1 रख दें, +1 रख दें, कोई भी वैल्यू रखते जाए, 0 से स्टार्ट करें, चलो -2 से स्टार्ट करते हैं भी कोई मसला नहीं है। एफ ऑफ एक्स में अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है, -1 आ जाता है। अब मॉड के बाहर आके वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 पुट करने पे, -2 पुट करने पे मुझे 1 आएगा, ठीक है। जब मैं -1 पुट करूंगा तो मुझे 0 रिजल्ट आएगा, जब मैं 0 पुट करूंगा तो मुझे 1 रिजल्ट आएगा, जब मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे 3 रिजल्ट आएगा। ऐसे आप पुट करते जाएंगे, जब आपके पास थोड़े बहुत 4-5 ऐसे कोऑर्डिनेट्स बन जाए तो आप लोग पुट करें, इसमें पुट करके देखेंगे तो आपके जो ये जो रिजल्ट है ना, ये देखें ये जो रिजल्ट है आप लोगों का ऐसे कुछ बन जाएगा वी शेप्ड। इसमें भी वही चक्कर है, आप लोग अपने कोई नंबर रख के देखें तो आपको आउटपुट जो एक्स रखेंगे और वाई भी मिलेगा आउटपुट, तो उस हवाले से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आप लोगों का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आसान है, आई थिंक आप लोगों को जरूरत नहीं है इस चीज की। अच्छा हम आगे देखते हैं, वी शेप विद द वर्टेक्स वी, ठीक है, एंड ये भी कोई मसला नहीं है। इसमें देखते हैं, देखें फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स जो है मॉड में 2x-1 फॉर डोमेन, डोमेन दी हुई है हमें, ये देखा अब यहाँ पे डोमेन दी हुई है इन्होंने, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एंड स्टेट द रेंज ऑफ एफ। भाई सही बात है ना, -1 यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ तो -2-1 कितना होता है, क्योंकि -1 पुट करूंगा तो ये -2 हो जाएगा, ये डोमेन मुझे -1 से लेकर स्टार्ट करता हूँ तो देखें कितना मिलेगा मुझे, -2 मिलेगा, -2-1 कितना होता है, -3 होता है, तो उसका मॉड जब निकालूंगा तो ये मेरा पास +3 हो जाएगा। तो -1 पुट करने पे मेरे पास +3 मिल रही है, जब मैं 0 पुट यहाँ पे करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, -1 आके बाहर क्या होगा, +1 होगा। तो 0 पुट करने पे मेरे पास +1 मिल रही है, 2 पुट कर रहा हूँ 4-1 कितना होता है मेरे पास, अंदर 4-1 3 बाहर आके क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 पे 3 आ गया, ठीक है। अगर मैं 2 मैंने पुट किया 3 आया, 3 तक है डोमेन, 3 तक है, 3 पुट कर रहा हूँ 6 से लेकर देखें 3 जब मैं पुट करूँ मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो उनका कहना है कि स्केच ग्राफ स्केच करना है ये चीजें, क्योंकि ये एक्स है ये वाई, ये एक्स ये वाई, आप लोग खुद ग्राफ में बनाएंगे यहाँ पे तो ऐसा कुछ आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। और जो रेंज है वो रेंज आपकी ये मिली है 3-1-3-5 रेंज आप लोगों की ये चीज मिल गई है आप लोगों को, ठीक है। जब ये आप पुट करते जाएंगे आप लोगों को ये चीज रेंज मिलती जाएगी, ठीक ना। अच्छा देखिए रेंज यहाँ पे मिली हुई है, रेंज यहाँ पे देखिए 0 < y, y = 5 वही बात आ गई नफीसा, वही बात आ गई। उन्होंने क्या किया, -1 पुट किया है और लास्ट में ग्रेटर पुट कर दिया, मतलब एक तो स्मॉलेस्ट पुट कर दिया और दूसरा ग्रेटर पुट कर दिया, और उन्होंने रेंज बता दिया जस्ट ऐसे। यहाँ पे देखे 0 > y, y = 5, ठीक है ना।
जी सर अच्छा दूसरी बात उन्होंने कही है, दूसरी बात उन्होंने कही है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, वो कह रहा फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है वो देखियो, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 करते क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू 3 की बात करी थी उन्होंने, तो क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो इस चीज को क्या कर रहे हैं इक्वल रख रहे हैं एक तो 3 के दूसरा माइनस 3 के। क्यों मैंने आप लोगों को कहा है कि 3 और माइनस 3 क्यों आएगा ये आप लोगों को पता है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 1, यहां से मेरे x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है तो देखें फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 बन जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रेंज इज, रिक्वायर्ड जो रेंज बनेगी वो मेरी ये बनेगी। ठीक है क्यों वो ग्राफ की वहां ऊपर बात कर रहा है, ठीक है ना। और जो सी है, अच्छा सी थोड़ा यहाँ पे मिटा हुआ है, अच्छा देखते हैं ना ये सी सही है। द स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 कट कर रही है द ग्राफ ऑफ 0,1 एंड 2,3, वही 7th चैप्टर आ चुका ना, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच ये मॉड इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1 एंड 0 एंड 2। ठीक है ओके आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या मिलता है हमें। अच्छा सॉरी सॉरी वो चीज सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है। ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है, कट द ग्राफ ऑफ इस पे, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इसको और इसको जब इक्वल वो कर रहे हैं एंड तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रही है चीजें 0,2। हमें चाहिए क्या था ऊपर देखे जरा क्वेश्चन पे देखते हैं, एक मिनट क्वेश्चन पे देखें, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसके द ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस 1 हेंस द ऑब्टेन वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ये इसके बराबर लिखा है। ठीक है तो यहां से आप लोगों को वैल्यूज मिलेगी x की। ठीक है जो वो नीचे कट कट की बात कर रहे हैं ना आप लोग, इसलिए आई थिंक समझ नहीं आएगा यहाँ पे कट करा रहा था ग्राफ 0,1 पे, ये वो चीजें वो तब आप लोगों को समझ आएगा जब आप लोग ये चीज रिक्वायरमेंट उनके हिसाब से क्लियर करेंगे। देखें जब ग्राफ जो स्केच करेंगे ना वहां पे तब आप लोगों को पता चलेगा वो कौन सी लाइन जो है, ये जो लाइन है कहाँ पे कट कर रही है, ये जब आप इक्वल एक्स एक्सिस जब रखते हैं आप कोई भी वैल्यू रखते जाए आपको मिल जाएगा, या आप जो गिवन डोमेन है ये आप वैल्यू रखते जाए तो आपको जो मिलता है और जो ग्राफ मिलता है कहाँ पे कट कर रहा है वो जो आपको ये जो लाइन है ये लाइन तब बताएगी आप लोग कहाँ पे कट कर रही है, जो यहाँ पे नीचे दिया गया है नंबर ना यहाँ पे देखें कट्स द ग्राफ एट 0,1, मतलब 0,1 पे ग्राफ वो कट करेगा, मतलब जैसे कि ये वी शेप्ड बना हुआ है ना ये, तो 0,1 कहाँ पे होगा, 0,1 मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे एट ये पॉइंट ऑफ सेंटर है तो 0,1 यहाँ पे होगा ना, तो फर्स्ट सपोज ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कट कर रहा है 0,1 पे, ये तो जीरो ये सेंटर है तो 0,1 पे यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो वी शेप जा रही है वो ऐसे कट कर रहा है, या फॉर सपोज ये ऐसे कट कर, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। ठीक अच्छा आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, और यूजिंग अ ग्राफ पेपर भाई चलो, यूजिंग अ ग्राफ पेपर ड्रॉ ऑन द सेम डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस x माइनस 2 मॉड्यूल एंड y इज इक्वल टू 2x फॉर 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से लेकर 2 भी है 3 भी है और 4 है, 5 और 0 इंक्लूडेड नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, अब अगर x के वैल्यू फाइंड करें भाई बात तो सिंपल है, तो उन्होंने इसके इक्वल तो किया है मगर फाइंड क्या करना है x के वैल्यू, तो उन्होंने क्या करा है जो सिंपल सी बात है, देखें चलो इन्होंने ऐसे कर दिया और उसके बाद जो उन्होंने क्या करा है, एक मिनट मैं मार्कर यूज कर लूं, देखें उन्होंने बराबर रख दिया है इस चीज को और इस चीज को, उन्होंने पहले तो ग्राफ पे शो किया है कैसे ग्राफ पे शो हो रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ग्राफ पे x = 1 पे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 1, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं x = 1 पे, वो ये चीज देखें x = जो 2x है ना वो यहाँ पे लाइन जा रही है और जो ये मॉड है, अब देखें मॉड की जो बन रही है ना, देखें ये वी शेप्ड बन रही है ऐसे, वो ऐसे आ रही है नीचे, ये वी शेप्ड है इसकी मॉड की, और ये जो y = 2x है
जो ऐसे जा रहा है, देखें जो पहला क्वेश्चन था ना वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, वो कह रहा जो कट कर रही है ना एक यहाँ पे, वो कट कर रही है वन पे, एक्स की वैल्यू क्या होगी वन होगी। तो जो क्वेश्चन के अगर हम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखें कि ग्राफ बनेगा तो हमें पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू क्या है। देखें यहाँ पे ये ना देखें यहाँ पे ये जो चीज उन्होंने जब इक्वल रखी है, अब फॉर सपोज मैं हम इक्वल रख के भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, मगर उन्होंने ग्राफ बना के हमें एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दी है। तो ग्राफ कैसे बनाएगी आप लोग, डोमेन तो आपको मिली हुई है, जब आपको डोमेन मिली हुई है ना आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, डोमेन आप पुट करके रेंज दोनों इक्वल दोनों फंक्शन की रेंज जो है आप मतलब कि फाइंड कर सकते हैं। जब रेंज मिल गई ना तो आप लोगों को क्या कहते हैं कि लाइन भी मिल जाएंगी, जब आप लोगों को लाइन मिल गई ना तो आप लोगों को अगर इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ तो वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल जाएगा। यहां तक समझ आ गया जी? जी सर। ठीक है, तो यहां तक ये चीजें बहुत ही बेसिक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर 9.1 एंड 9.2 आप लोगों ने अच्छे से समझी हुई है ना तो ये चीजें आप लोगों को परेशान नहीं करेंगी, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों को परेशान नहीं किया होगा इस एक्सरसाइज ने, इन एक्सरसाइजेस ने। ये चीजें जो है ना ये नीचे मैं इसलिए मैं नहीं आप लोगों को बता रहा इसलिए कि ये जो है ना पीसी के अलावा नहीं होती, और ये पीसी हमने कभी ना किया है और ना ही हमने हमें कोई करवाने वाला है ये पीसी पे, ठीक है, क्योंकि हम आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिकल वर्क वर्क जो है ना वो हमसे कोई नहीं कराता, पीसी एक प्रैक्टिकल वर्क है ना, तो वो चीज़ हमें ना कोई टीचर कराएगा ना हम खुद करते हैं कोशिश करने की। तो ये चीज़ है कि यहाँ तक हमारा काफ़ी होता है। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, और होप सो कि ये यहाँ पे ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह टाइम मिला तो हम और मीटिंग रख लेंगे, क्योंकि दो दो क्लासेस और हमारी स्टार्ट हो रही हैं, एसटीएचपी एनटीएचपी क्लास चल रही है वो मतलब कि प्रिपरेशन वाली वो भी हैं, प्रीवियस कोर्स हमारा रहता था वो भी हमारे चल रहे हैं। तो और आप लोगों से एक ये भी है कि अगर आप लोगों में से कोई हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहता है एसटीएचपी एनटीएचपी या पीएसटी जीएसटी की तैयारी करने के लिए, तो वो कोर्सेज हमारे ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, या कोई और भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटर की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो उसके भी हमारे जो है कोर्सेज चल रहे हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप लोगों का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी वगैरह, और आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये क्योंकि हो सकता है ये लास्ट मीटिंग हो हमारी, और इस लास्ट मीटिंग में मतलब एक ऐसा है कि अगर मुझसे कोई गलती कोई खता होगी ओके प्लीज़ फॉरगिव दैट, एंड मतलब कोई भी आगे अगर आप लोगों को कोई काम हो या किस हवाले से भी, अगर यूनिवर्सिटी के हवाले से भी आप लोगों को परेशानी हो रही हो किसी भी चीज़ से, तो आप लोग हमसे बेधड़क जो है कह सकते हैं, और किसी भी चीज़ में कोई परेशानी हो कुछ भी हो आप लोग शेयर हमसे कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक, सो ये लास्ट क्लास, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड लक फॉर योर फाइनल्स, और मेहनत करें कोशिश करें और आगे बढ़ें, बस मेहनत करें फोकस करें अपने अपने एग्जाम्स पर, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारी क्वेरीज हैंडल हो जाएंगी जी। अगर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी क्वेरी हो जो कि आप लोगों को मसला कर रही हो तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, अभी भी आप लोगों के पास वक्त है जी। नहीं है क्वेश्चन जी? जी मंजर आपने हैंड रेज किया है सर, क्वेश्चन है एक। जी जी नफीसा पूछे सर, एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 9.3 में अभी तो टाइम भी जाने वाला है नफीसा, एक मिनट आप ना ग्रुप में पहले बता देती हैं कि कहां से है। अच्छा 9.3 तो अभी हमने करी है ना सर। जी जी मंजर सर, ये जो वर्टेक्स में मतलब इसमें फाइंड करनी है जो ये वी शेप वाली स्केचिंग बन रही है जी, इसमें मतलब जो टर्निंग पॉइंट भी फाइंड करनी है, ये यहाँ से नहीं समझ में आ रहा जहाँ मतलब टर्न कर रहा है ये भी। नहीं देखें टर्न तो खुद ही मिल जाएगा ना आपको, ये जो आप इसकी बात कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी बात कर रहे हैं ना, ये देखें। यस सर। अच्छा इसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये आपने फाइंड नहीं, जब आपको पॉइंट मिले हुए होंगे ना तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट कोई मिलेगा जो कि आपका पॉइंट ऑफ सेंटर कहलाएगा, वहां से आपके
यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, दूसरा यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, फर्स्ट सपोज एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो आपकी बाकायदा एक वी शेप बन जाएगी, आपको लगेगा कि भाई ये यहाँ पे वी बन रही है, ठीक है ना। ओके गाइज, गुड बाय। एंड नफीसा, आप कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, ये आप ग्रुप्स में पूछें तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अभी मेरी क्लास होने वाली है इसी की, एसटीएचपी एनटीएचपी की जो तैयारी हम करवा रहे हैं वही क्लास होने वाली है, और उसी क्लास के बारे में हमने कुछ थोड़ा आगे जाना है, ठीक है। यस सर, सही है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, काइंड टाइम। सो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू मीट इन नेक्स्ट सेशंस, देखते हैं कहाँ पे सेशन चलता है। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।